कुछ दिन पहले मेरी एक फ्रेंड का मुझे फ़ोन आया। वो अपने 60th बर्थडे पार्टी के लिए मुझे इनवाइट कर रही थी। बातों बातों में वो मुझे कहने लगी कि उसको एक रिग्रेट है कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो या तो अपने बड़ों की देखरेख में बिता दी या अपने बच्चों को पालने में, और उसे ये फीलिंग हो रही है कि उसने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। फिर मैं अपना रेट्रोस्पेक्शन करने लगी अपने बारे में, और मैं रियलाइज़ कर रही थी कि मेरा नज़रिया तो बहुत अलग है। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, आलोक भी बहुत यंग थे मेरे हस्बैंड, उसके बाद बच्चे भी जल्दी आ गए थे। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स करने की कोशिश करी, छोटे छोटे स्टार्टअप्स करने की कोशिश करी। अराउंड दैट टाइम मेरे हस्बैंड आलोक की जॉब जो है वो इंडिया से बाहर हो गई और वो बाहर चले गए। डिसीजन यही लिया हम दोनों ने कि जब तक वो फुल्ली सेटल्ड फील नहीं करेंगे, मैं इंडिया में ही रहूँगी अपने बड़ों और बच्चों के साथ। तब मेरा बेटा चिरायु जो था, हमारा बेटा चिरायु, वो 9 साल का हो चुका था और हमारी बेटी आयुषी वो 7 साल की हो चुकी थी। और मुझे ये फीलिंग हुई कि मेरे बच्चों को अब मेरी ज़रूरत है, और अगर मैं ये फेज़ ऑफ मदरहुड जिसमें मेरे बच्चे अभी भी बच्चे हैं, दे आर लिटिल चिल्ड्रन, अगर मैं ये मिस कर दूँ तो मैं ये फेज़ ज़िंदगी भर के लिए मिस कर दूँगी। तो उस दिन शाम को मैंने आलोक से फ़ोन पे बात करी और मैंने उसे कहा कि मैं काम छोड़ना चाहती हूँ। मैंने कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि अब आप बाहर चले गए हैं तो मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, और अब मुझे हम दोनों का रोल बच्चों के साथ एज अ पेरेंट करना है। और ये बड़े फॉर्मेटिव ईयर्स हैं चिरायु और आयुषी के, अब वो बड़े हो गए हैं, अब वो समझ सकते हैं, और अगर हम दोनों मिलके एज अ टीम ध्यान से इनकी परवरिश करें तो कुछ सालों में हम अच्छे और रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग्स बना सकेंगे। आलोक ने मुझे होल हार्टेडली सपोर्ट किया। उसके बाद तो कहते हैं ना, स्काई इज़ द लिमिट। मैंने पैशनेटली अपने बच्चों के साथ दिलो जान से उनके साथ टाइम स्पेंड किया। मैंने सारी पढ़ाई खुद कराई उनको, कोई ट्यूशन्स नहीं लगवाई उस स्टेज ऑफ लाइफ में। मैंने उनके स्कूल की सारी एक्टिविटीज़, बी इट फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, बी इट अ क्राफ्ट कॉम्पिटिशन, बी इट अ स्कूल फेस्टिवल, उसमें मैंने अपना 100% दिया। अगर आज मुझे कोई कहे, अगर आज मुझे कोई कहे कि आपके अगर कुछ साल वापस, ज़िंदगी के कुछ साल आपको वापस मिल जाएँ, तो मैं हमेशा वो वाले 6 से 8 साल मांगूंगी जब मैंने मेरा काम छोड़ा और मैंने एक फुल टाइम मदर बनने का डिसीजन लिया। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक फ्रेंड है अमेरिका में जो मुझसे अगेन उम्र में बड़ी है, तो उसने बहुत अच्छे से मेरे वो फीलिंग्स को समअप किया। उसने कहा कि जो करियर है, जब से हमने हमारी पढ़ाई ख़त्म करी और जब तक जान है, इट कुड बी 65, 70, 80, वो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन जो पेरेंटिंग विंडो है वो तो सिर्फ 16 समर्स है। और अगर हमने वो 16 समर्स एज मदर्स नहीं इन्जॉय किया तो वी हैव लॉस्ट समथिंग वेरी वैल्यूएबल। सो आई एग्रीड विद माय फ्रेंड के यस, इट वाज सो वर्थ डूइंग दोज पार्ट टाइम जॉब्स, गिविंग अप वर्क कम्प्लीटली। वी लिव्ड इट अप एंड वी गॉट रेडी फॉर दिस माइलस्टोन मोमेंट ऑफ आवर लाइव्स, where our children are our companions and our friends and they are holding our hands and taking us forward. Mera ye decision jisme maine voluntarily aur happily choose kiya to be a full time mother, aur jo support mere husband Alok ne mujhe diya, wo mujhe fir se mere jo favorite words hain us pe le aata hai. Ast tak khushi se vyast और हमेशा हमेशा के लिए मस्त।